नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। अभिषेक बनर्जी का छलका दर्द, बोले साल 2022 ने बहुत कुछ सिखाया, विरोधियों के उत्पीड़न का किया सामना। नए साल पर दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, हरियाणा में भी हिली धरती। सीएम भूपेश बघेल ने दिए तमाम सवालों के जवाब, बोले राम और गाय हमारे थे, बीजेपी वालों ने छीन लिया। नए साल के पहले दिन केरल में बड़ा हादसा, गहरी खाई में बस गिरने से छात्र की मौत, 40 अन्य घायल। अंतरिक्ष में अब निजी कंपनियों की जमेगी धाक, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। उत्तर भारत में नए साल के पहले दिन से फिर सर्दी का सितम, दिल्ली में 6 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट। नए साल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दी देशवासियों को बधाई, कहा खुलेगी मोहब्बत की दुकानें। परिसीमन से पहले असम सरकार ने की 4 जिलों के विलय की घोषणा, सीएम शर्मा बोले भारी मन से लिया फैसला। दिल्ली के वृद्धाश्रम में आग से 2 बुजुर्गों की मौत, सड़क हादसे में राजस्थान के हनुमानगढ़ में 5 तो अमृतसर में 4 की मौत। जम्मू कश्मीर में पुलिस का मिशन जीरो टेरर, यूपीए कुलवेकर अब हर जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। देश में नए साल की धूम, पीएम मोदी ने देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना की, सिद्धिविनायक में इस साल की पहली आरती की। हरियाणा के खेल मंत्री के खिलाफ एफआईआर, चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच की शिकायत पर की कार्रवाई, जांच जारी। नए साल का पहला गिफ्ट, एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा भी तो ये शुरुआत है। बेंगलुरु में नए साल का जश्न पड़ा भारी, पुलिस ने लोगों पर जमकर किया लाठीचार्ज, सामने आया वीडियो। आरिफ मोहम्मद खान का बयान, बोले कश्मीर को कानून का स्पेशल दर्जा नहीं चाहिए, ताकतवर हिंदुस्तान अमन की गारंटी। ₹2023 की शुरुआत ब्रज की रज से, श्री बांके बिहारी के दर्शन कर 5 लाख श्रद्धालुओं ने की नए साल की शुरुआत। जालौन में ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौत, घने कोहरे के बीच नए साल का हुआ आगाज, 32 शहरों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी वालों को नए साल में मिलेगा एक और एयरपोर्ट, मुरादाबाद से शुरू होगी दिल्ली लखनऊ के फ्लाइट, रनवे टर्मिनल तैयार। फाइटर जेट की लैंडिंग वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट कानपुर में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार, 300 यात्री एक साथ कर सकेंगे बोर्ड। यूट्यूब देखकर पत्नी का मर्डर, जहर हथियार कहां से मिलेंगे, मरने के बाद पत्नी भूत बनकर तो नहीं डराएगी।
गाजियाबाद में लव ट्रायंगल में हुई थी मिश्री की हत्या। शादीशुदा महिला के थे दो बॉयफ्रेंड, एक से दूसरे को मरवाया। आगरा में चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़, कोच अटेंडेंट ने टिकट कंफर्म कराने के बहाने टॉयलेट में बुलाया, वारदात को अंजाम देकर भागा। पत्नी और बेटे के साथ मृत मिला रेलवे कर्मी, काशी रेलवे स्टेशन कॉलोनी की घटना, मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा का इंजीनियर समुद्र में डूबा, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंच देर चली गया था, दोस्तों को लगा वो मजाक कर रहा है। नौकरी नहीं मिली तो डिप्रेशन में युवक ने लगा ली फांसी, एयरफोर्स की लिखित परीक्षा पास की, मेडिकल में हो गया बाहर। संभल में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, तापमान 12 डिग्री, मजदूर बोले रोजी रोटी को घर से आए नहीं मिला काम। भदोही प्रशासन का मनीष मिश्र पर शिकंजा, 7 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। डीएम ने दिया प्रयागराज जिले के 2 मंजिला मकान को कुर्क करने का आदेश। चंदौली में बड़ी चोरी की घटना है, कैलाश राजभर के घर से लाखों के आभूषण चोरी, लोग पुलिस की सक्रियता पर उठा रहे हैं सवाल। शाहजहांपुर में नए साल पर मचा धमाल, देर रात तक डीजे पर जमकर थिर के युवा, रोड पर पुलिस की रही सख्ती। रायबरेली में छत पर मिला युवक का शव, सिर पर चोट के निशान थे, पजरों ने पैसों के लेनदेन में हत्या की जताई आशंका। दर्शन पूजन के साथ साल 2023 की पहली सुबह बाबा विश्वनाथ दरबार में गूंज रहा हर हर महादेव। उन्नाव में विवाहिता का शव रखकर पजनों का हंगामा, पिता बोले ससुराल वालियों ने जहर देकर की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में तमंचे के बल पर लूट, बिल्डिंग मटेरियल के दुकानदार से लूट लाखों के जोरात, 3 बदमाशों ने किया वारदात। गोरखपुर विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग वर्कर को मिली राहत, डीडीयू वर्कर्स को दी गई 3 महीने की सैलरी, ईएसआईसी में वर्कर्स का हुआ रजिस्ट्रेशन। नए साल पर ताजमहल का दीदार करने पहुंचे लोग, विदेशी पर्यटकों की संख्या ज्यादा रही, कल 35,000 लोग घूमने पहुंचे थे। पहाड़ों पर बर्फबारी से तराई क्षेत्र में बड़ी ठंड, बहराइच में छाए घना कोहरा, सर्दी से बचाव के अलाव से देखते नजर आए लोग। गौतम बुद्ध नगर में पार्टी के दौरान मारपीट, 4 घायल, 3 हिरासत में, सेल्फी लेने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, बने अधबने हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, बंडा के मंदिर में पुलिस ने मारा था छापा। मैनपुरी में ज्वेलरी शॉप से नौकर ने की चोरी, 9 लाख की नकदी व जेवरात बरामद, आरोपी व बड़ा भाई गिरफ्तार। बाराबंकी में कपड़े के शोरूम में लगी आग, 5 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों का सामान जलकर राख। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर मुस्तैद, खुद कानपुर कमिश्नर बीपी जोगथंड देखने को मिले गए थे सुरक्षा व्यवस्था।
लखनऊ में अधिवक्ताओं से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों का हुआ स्थानांतरण। डीसीपी राहुल राज ने किया दोनों पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण। उन्नाव में अज्ञात हमलावरों ने किशोरी को मारी गोली। परिजनों द्वारा किशोरी को सीएससी में कराया गया भर्ती। आगरा के रकाबगंज पुलिस को स्वाट टीम सर्विस लांच की मदद से मिली सफलता। संयुक्त टीम के हत्थे चढ़ा आरोपी। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा, जिसका वीडियो घर में लगे सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड विधानसभा के बैकडोर भर्ती मामले में विस अध्यक्ष रितु खडूर की बड़ी कार्रवाई। मुकेश सिंघल को दिया दो पद रिवर्ट। उत्तराखंड में घने कोहरे के चलते एक फ्लाइट लेट तो दूसरी डायवर्ट, अन्य हवाई सेवाओं पर भी पड़ सकता है असर। ऋषभ पंत के उपचार पर पीएम मोदी की नजर। प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार की ऋषभ पंत की मां से बात। न्यू ईयर 2023 के स्वागत में डूबा देहरादून। आतिशबाजी और डीजे की धुन पर थिरकते हुए मनाया जश्न। उत्तराखंड में नए साल के पहले दिन भगवान के घर पर डाला डाका। पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु तो उड़े होश। रुपयों के लेन देन को लेकर रूममेट से हुआ विवाद। सिलेंडर सिर पर मारकर की हत्या। बोरी में शव रखकर हुआ फरार। उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली पर आई दरारें। 50 से अधिक लोगों ने छोड़े भवन। सामाजिक सहभागिता से जोड़ने की अनूठी पहल। उत्तराखंड में एमबीबीएस का एक विद्यार्थी 5 परिवारों को लेगा गोद। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। बर्फबारी के साथ नए साल का आगाज। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर होटल हुए फुल। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड के हल्द्वानी जेल में बंद पूर्व डीएफओ किशन चंद की तबियत बिगड़ी। ऋषिकेश एम्स रेफर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बलाती के पास बर्फबारी में फंसा ट्रक। 3 घंटे फंसे रहे वाहन व पर्यटक। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लागू होगा विशेष अवकाश। जिलाधिकारियों को निर्देश जारी। उत्तराखंड में 2 जनवरी तक 24 घंटे खुलेंगे सिर्फ बार। शराब की दुकानें और ठेकों की नई छूट। नए साल पर काबुल के मिलिट्री एयरपोर्ट पर धमाका। आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। पुतिन का नए साल पर जंग जीतने का ऐलान। कहा पिछले साल काफी कुछ सुधारा। यूक्रेन का जवाब, अपने ही लोगों को तबाह किया।
बोधगया में दलाई लामा का तीखा हमला, बोले बौद्ध धर्म को नष्ट करने की चीन की कोशिश नहीं होगी कामयाब। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकवादी ढेर, पाक पुलिस का 1 जवान भी मारा गया। चीन के बाद जापान में भी कोरोना का कहर, कोविड से मरने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 16 गुना ज्यादा। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 13 जनवरी को आएगा पीक, जिनपिंग के नए साल पर बोले हमारे सामने चुनौतियां लेकिन उम्मीदें भी। जंग के साए में नए साल में दाखिल 6 देश, यूक्रेन में 8 पीस पर लिखा बच्चे जंग न झेले, रूसी सैनिक परिवार से दूर रहें। सबसे बड़े कैथोलिक धर्म गुरु रहे बेनेडिक्ट का निधन, 600 साल में इस्तीफा देने वाले पहले पोप प्रिस्ट की नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरे थे। ۲۰۲۲ के आखिरी दिन भी रूस ने किया मिसाइल अटैक, यूक्रेन ने कहा आम लोगों को निशाना बना रहा है, क्यू में 1 की मौत, 8 घायल। ۲۳ جنوری को चीन में कोरोना से होगी 25,000 मौतें, अगले महीने में आएगा 3 हफ्ते में 18% आबादी संक्रमित हुई। सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस का किराया नहीं चुका पाए मस्क, बिल्डिंग मालिक ने किया मुकदमा दर्ज। मस्क के नाम एक और रिकॉर्ड, $200 बिलियन कमाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने, एक समय नेटवर्थ 300 बिलियन के पार पहुंची थी। नए साल में बदलेगा ट्विटर, अब यूजर्स को मिलेगा नेविगेशन फीचर, स्वीपिंग के जरिए टॉपिक स्विच कर सकेंगे। ड्रीम 11 के अनप्लग पॉलिसी, छुट्टी के दिन एम्प्लॉयज को किया कॉल मैसेज और ईमेल तो चलेगा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना। ۲۰۲۳ में मोबाइल चलाना होगा महंगा, नए साल में कंपनियां बढ़ा सकती हैं टैरिफ की कीमतें, 5G स्मार्टफोन की बिक्री भी बढ़ेगी। सोना 2.5 साल बाद 55,000 के पार, 2022 में सर्वाधिक 14% रिटर्न गोल्ड से, चांदी भी 67,000 पर। डीबी पावर की संपत्ति खरीदने के लिए अडानी पावर ने बढ़ाई समय सीमा, 7,017 करोड़ रुपए में पूरी होगी डील। ओयो को आईपीओ लाने में होगी देर, 3 महीने के लिए लटक सकती है बाजार में आईपीओ उतारने की योजना। आर्थिक संकट के भंवर में फंसा पाकिस्तान, उच्च महंगाई दर और बढ़ते घाटे से परेशान पड़ोसी। केंद्र सरकार ने दिए नए साल का तोहफा, छोटी बजट योजनाओं की ब्याज दरों में किया इजाफा। घायल पंत का विकल्प खोज रहा है बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे, घुटने टखने और कलाई की चोट बनी वजह। बाबर आजम के बचाव में उतरे शाहिद अफरीदी, बोले मैं पाकिस्तान की दो टीमें बनाना चाहता हूं जो अलग अलग प्रतिनिधित्व कर सके। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले नए लुक में नजर आए शुभमन गिल, कराए हेयर कट, फोटो वायरल।
ईशान किशन को पंत की जगह टेस्ट में मिले मौका, पूर्व भारतीय दिग्गज सबक करीम का बड़ा बयान। उमरान मलिक के लिए उनका ही दोस्त विक्रांत शर्मा बन न जाए खतरा, बॉलिंग के मामले में दे सकता है कड़ी टक्कर। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भारतीय दावेदार नहीं, कोहली ने 2018 में जीता था अवार्ड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा इस साल में रेस में है। अमेरिका में गिर रही बेसबॉल की लोकप्रियता बढ़ रहा है क्रिकेट का आकर्षण, भारतीय मूल के कारोबारी कर रहे हैं 1000 करोड़ का निवेश। विजडन वनडे टीम ऑफ द ईयर में रोहित कोहली, धवन नहीं, भारत से श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज शामिल, बाबर कप्तान। पंद्रह पर सिमटने वाली सिडनी थंडर ने बनाए 228 रन, बिग बैश का चौथा हाईएस्ट स्कोर, 15 दिन पहले 35 बॉल में हुई थी ऑल आउट। इंडिया वुमेन्स अंडर 19 टीम का तीसरा टी20 रद्द, ग्राउंड गीला होने के कारण नहीं हुआ मैच, 2 सप्ताह बाद है वर्ल्ड कप। एनिमल फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, जख्मी हालत में और बड़े बालों में दिखा रणबीर का इंटेंस लुक। हजार 2023 में 20 से ज्यादा बिग बजट फिल्में पठान, आदि पुरुष, एनिमल और डंकी की रिलीजिंग। इंडियन बनने के लिए अदनान सामी को लगे 18 साल, बोले 1.5 साल तक मैं किसी देश का नहीं था, 2 बार रिजेक्ट भी हुआ। नम्बिया नवेली के साथ थाईलैंड वेकेशन पर पहुंची अनन्या पांडे, शेयर की फुकेत शेयर की फोटोज, बोली मैं इसे एक सच्ची खुशी कहती हूं। जॉनी लीवर को पार्टी में मिला उनका हम शक्ल, कॉमेडियन के सामने उतारने लगा उनकी नकल। डीजी ब्रावो बोले मेरी बायोपिक के लिए शाहरुख खान परफेक्ट है, बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण और सलमान खान को फॉलो करता हूं। ब्लैक बॉडी कॉन रेस में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई उर्वशी रौतेला, गर्लफ्रेंड सबा आजाद और बेटी के साथ वेकेशन से वापस लौटे ऋतिक रोशन। आप साहब को बना दिया हिंदू, श्रद्धा को ईसाई, एक एपिसोड की वजह से चैनल को बायकॉट करने लगे लोग, बोले हिंदू विरोधी मानसिकता बाहर आ गई। गुरु रंधावा ने शहनाज गिल के साथ कराया रोमांटिक फोटोशूट, फैंस को पसंद आई दोनों की केमिस्ट्री, बोले शादी कर लो। सारा ने अलग अंदाज में 2022 को कहा बाय बाय, न्यू ईयर से पहले शेयर की इस साल के अनदेखे वीडियोस। आज के इस शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।